हे बंधु कैमन अछो तुम। तो यार घर में मैं कुछ ढूंढ रहा था तो वहां पर मुझे एक बॉक्स के अंदर मिला एक बहुत ही पुराना ग्रामोफोन डिस्क जो मैं शायद कुछ महीने पहले गोडाउन से लाया था। ये बनाया गया होगा शायद 1970 के आसपास, लेकिन इसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब है कि इसका तुलना एक डीवीडी डिस्क के साथ किया जाए तो इतना सारा स्क्रैचेस लेकर ये तो चले इम्पॉसिबल है। लेकिन ग्रामोफोन डिस्क थोड़ा अलग इंटरेस्टिंग सिंपल तरीके से चलती है, तो आज हम लोग इससे जुगाड़ करके कुछ साउंड निकालने वाले हैं अपना होम थिएटर की मदद से। इसको मैं ब्रश से साफ कर रहा हूँ क्योंकि कपड़ा पूरा जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा नाली जैसा है जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल ही जाएंगे। तो ये है रियल ग्रामोफोन प्लेयर, जिसको रियल में मैं कभी नहीं देखा, बस इसके बारे में सुना हूँ और पिक्चर देखा हूँ। और मजे की बात यह है कि आज हम इसको चलाने वाले हैं, तो पहले ये चीज बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैं कपड़े का पुराना कार्डबोर्ड बॉक्स ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो साइज है डिस्क के साइज के साथ सेम टू सेम मैच हो रहा है अच्छी तरह से। अब इसको घुमाने के लिए एक मोटर चाहिए, पर मोटर बहुत स्लो होना चाहिए, इसके लिए मेरे घर में कुछ है। ये जो आप देख सकते हैं जो धीरे धीरे घूम रहा है ना, इसका मोटर मैं लेने वाला हूँ। आपको तो पता ही होगा ये एक डिस्को लाइट है, जो उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है बहुत स्लो घूमता है, उसी का मोटर मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। अगर स्पीड थोड़ा कम और ज्यादा हुआ तो इस स्पीड कंट्रोल के मदद से मैं स्पीड को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाऊंगा। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि इस डिस्क घूमने से साउंड कैसे निकलती है, तो बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारा नाली रहता है जहाँ से कोई नुकीला चीज़ गुजरता है, और इस नाली का जो दोनों दीवार है ना, वो दीवार थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा रहता है, और उस नाली से जब कोई सुई जैसा कुछ नुकीला चीज़ गुजरती है, ट्रैवल करती है, तब वो वाइब्रेट होती है उस दीवार से टक्कर खा के, और वाइब्रेट होने की वजह से साउंड निकलती है। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, बस बाद में ये घटिया वाला एक प्रॉब्लम आ गया। इसका जो होल है बहुत ही बड़ा है, और ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत सारा जुगाड़ बुगाड़ करने के बाद, कोशिश करने के बाद, आखिर में एक आइडिया आया जो उसके ऊपर अप्लाई करके। अब किसी को डाउट होगा कि भाई तुमने तो कैसेट को सील कर दिया, अब दूसरी साइड तुम कैसे लगाओगे? तो इसका आंसर ये है, है ना मजेदार। अब इस डिस्क में कोई भी नुकीला चीज डालो तो वहां से वाइब्रेट होकर साउंड निकलती है, पर साउंड का जो वॉल्यूम है थोड़ा लो है। पर मुझे ज़्यादा साउंड चाहिए तो मैं इसमें होम थिएटर लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि होम थिएटर इससे कैसे लगाऊंगा, मतलब इस सुई से होम थिएटर कैसे चलेगी? तो यार देखो, बात ऐसी है कि हम अगर मोटर को बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी देता है, और अगर उसे घुमाऊँ हम लोग या मैकेनिकल एनर्जी दूँ तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें से मिलती है। उसी तरह से अगर कोई भी स्पीकर में अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज दिया जाए तो उस फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलती है, वो जो पर्दा है उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होता है, और अगर इसको उल्टा हो जाए, अगर उसको वाइब्रेट करे कोई भी फ्रीक्वेंसी में, तो क्या है, उस फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज निकलेगा। और यार यहाँ पर वाइब्रेशन तो पिन दे रहा है, तो हम लोग को तो उस फ्रीक्वेंसी का करंट मिल ही जाएगा जो हम लोग होम थिएटर में दे सकते हैं और साउंड निकाल सकते हैं। तो सेटअप ये है कि ये जो छोटा सा स्पीकर दिख रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर एक छोटा सा टिन ब्लेड लगाया गया है जो वाइब्रेट होगी
और इस पर्दे को भी अपने साथ वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेट करने से स्पीकर के पीछे जो दो टर्मिनल है वहाँ से वोल्टेज निकलेगी और इस एवी कोड की मदद से होम थिएटर से कनेक्ट होगी और बजेगी। लेकिन इस छोटा सा स्पीकर का एक भी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ही कम करंट जनरेट कर रहा है, जो होम थिएटर से एम्पलीफाई होने के बाद भी बहुत ही कम साउंड है। तो क्या कर रहा हूँ, मैं और एक एम्पलीफायर लगा रहा हूँ ताकि उसका जो साउंड है कुछ एम्पलीफाई होके फिर जाए, उसके बाद जो साउंड होगा वो इनफ होगा साउंड होने के लिए, बहुत ही साउंड होने वाला है। इस सॉन्ग का अगर ओरिजिनल सुनना है तो ये है। Hey friend, ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.